सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनास्ते मृत्युमोचये मां ददात्। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 20 मई और दिन है शनिवार और आज शनि जयंती है, तो सब लोगों को शनि जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मुझे भी थोड़ा सा जो है आज शनि मंदिर में भंडारा है, तो थोड़ा बहुत मुझे भी देना है सामान वगैरह, तो वो सामान मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे ये डालडा हो गया, गगन डालडा, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह सब डालडा से बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है क्योंकि गगन डालडा सबसे बेस्ट होता है। और थोड़ा सा खीर के लिए मखाना, साथ ही साथ ये है 5 किलो समथिंग कुछ पोटैटो, और ये है आटा, आटे का पूरा पैकेट है, और साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल फॉर्चून का, और यहाँ पे है ये 2 या 3 किलो के आसपास शुगर है। तो ये सारा सामान है जो मैं एक बोरे में डाल के दे देती हूँ इकट्ठा करके, ताकि पूरा सामान इकट्ठे एक जगह हो जाए। तो चलो मैं इसे सब कुछ रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है इसके अंदर और अब पैक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे हम मैं रख देती हूँ पक्षियों के लिए ठंडा पानी, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है ना, तो आए वो और पानी ईज़िली ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे मेरा जो ये गुआवा का ट्री है ना, ये बहुत छोटा है, अभी अद्विक ने लगाया था इसे। इसमें देखिए ये अभी से ही फल आने स्टार्ट हो गए और बहुत सारे फल आए, और ये जितना बड़ा अद्विक है ना उतना बड़ा ही ये पेड़ है। ये देखिए बहुत सारे फल आए हैं। ये जो मेरा वाइट वाला रोज़ का पेड़ है ना, बड़ा हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है ये गुच्छों वाला है, जो कई उसमें खिलते हैं ना, तो इस वजह से जो है मैं इसको बेल के जैसे ही चढ़ा दे रही हूँ। और ये कड़ी पत्ता का पेड़ बहुत छोटा सा लगाया था हमने और ये बहुत बड़ा हो चुका है। अब तो ज़रूरत ही नहीं होती किसी से मांगने की, हमारे घर में ही है। कुछ चीज़ें होती है ना यार कि अपने घर में अपनी सुविधा के लिए खुद ही लगा लेनी चाहिए, बार बार किसी से मांगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है। अब आज खिला हुआ है ये रोज़, एक डार्क गाजरी कलर का है, कलर थोड़ा लाइट आ रहा है बट ये बहुत ज़्यादा डार्क गाजरी कलर का बिल्कुल कलर है, ऑरेंज कलर का। तो ये सारे सामान हैं जो मुझे देने थे, तो मैंने जल्दी जल्दी शावर लिया और उसके बाद पूजा किया, और पूजा करने के बाद मैंने सारा सामान रख दिया क्योंकि फिर भूल जाने को होता ना। तो बहुत सारे लोग देते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना पड़ता, जितना मैंने आपको दिखाया उतना ही देना पड़ता है। और हर मंदिर का हम लोग ट्राई करते हैं कि कहीं भी भंडारा हो कुछ हो तो दें, क्योंकि माँ बाप जब पुण्य करते हैं ना, ऐसा दान और ये सब चीज़ें जब करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, अपने लिए भी अच्छा होता है बट बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कहीं भी कुछ भी पता लगता है ना, कोई भी मांगने आता है ऐसे कुछ शनिवार को या फिर कभी भी मंडे को, तो फिर हम कुछ ना कुछ जो हमारे पास रहता है हम दे ही देते हैं। और आज सैटरडे है तो आद्विक भी घर पे हैं, तो इनकी सैतानियाँ भी चल रही हैं कंटिन्यूस, तो आज मुझे डबल काम होने वाला है। थोड़ी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बोल देते हैं अपनी वाइफ को कि सारा दिन करती ही क्या हो, है ना, सोने और खाना बनाने के सिवा। और दूसरी चीज़, ससुराल वाले भी बोल देते हैं ऐसी बातें कि वहाँ लड़के के साथ में अकेले रह रही हैं, मौज काट रही होंगी, छोटा सा बच्चा है वो क्या खाता होगा, ठीक है। तो जो भी ऐसा बोलते होंगे, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी वाइफ को ऐसा बोलते हैं या फिर ससुराल वाले अपनी बहू के लिए ऐसा बोलते हैं अगर वो हस्बैंड के साथ बाहर रहती है, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वो 4 लोग के लिए आप खाना बनाओ, चाहे 1 लोगों के लिए बनाओ, चाहे कितना, वही कुकर वहां चढ़ना है, वही रोटियां भी सेकनी है, इवन बच्चा होता है तो आपका काम डबल ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। और होता क्या है ना कि सारा दिन लगा रहता है इंसान, चाहे घर छोटा हो बड़ा हो क्या हो, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है ना कि जो औरतें होती हैं ना, उनके पास बैठने के लिए इवन उनको अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि अपने लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। क्यों? जैसे अब आपको मैं छोटा सा रूटीन बताती हूँ, सुबह 5 बजे उठना, 5 से 6 बजे तक आदू का 2 टिफ़िन बनाना आद्विक का,
उसके बाद 6 बजे इनको उठाना, क्योंकि इनकी जो वैन है वो सबसे पहले इनके पास आती है, क्योंकि बाकी वो फिर स्कूल के पास में जाती है तो पहले इनके पास आती है, तो इस वजह से हमें सबसे पहले रेडी करना पड़ता है बच्चे को। तो 7 बजे हमने बच्चे को रेडी किया और भेज दिया। उसके बाद आपको पता है मॉर्निंग में जब बच्चे उठते हैं ना तो इतनी ईजिली नहीं उठ जाते हैं, उनको भी बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है, एक माँ को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, किसी ना किसी तरह उनको नए बहाने, दुनिया भर की चीज़ें, नए नए थॉट सोचने पड़ते हैं कि आज क्या कर दें जल्दी उठ जाए। उसके बाद जब वो जाता है तो वही घर का झाड़ू पोछा पूजा ये सब होने लगता है, फिर उसके बाद हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाना सब उनको देना, उसके बाद वो गए, फिर घर का पूरा जो काम बर्तन उर्तन रहता है ब्रेकफास्ट का वो सब करना, घर बच्चे होते हैं घर फैला देते हैं उनको सब चीज़ें करना, अपनी स्टडी के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना अपने लिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि लंच की प्रिपरेशन करना, लंच में भी एक दो तरह की चीज़ें तो बनती नहीं कि दाल रोटी बना दिया, दाल चावल रोटी खिला दिया, सब्जी बनता है उसके साथ में, रायता बनता है, दुनिया भर की चीज़ें बनती है ना, तो टाइम निकल ही जाता है। फिर ये आते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर उतना ही बर्तन निकलता है उसको धुलो, फिर आद्विक भी आ जाता है, आद्विक को भी नहलाना धुलाना, उसको फिर से जो है लंच कराना, हालांकि स्कूल में किया रहता है बट मन नहीं मानता ना एक माँ का, फिर कुछ ना कुछ उसके लिए बनाना खिलाना, फिर उसको जो है सुलाने के लिए कोशिश करना काफ़ी देर तक, क्योंकि बच्चे ऐसे मानते भी नहीं हैं, फिर उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना, उसके साथ खेलना, उसको कलरिंग कराना, उसको सारी चीज़ें, तब तक हो जाता है इवनिंग का टाइम और हस्बैंड आ जाते हैं चाय बनाना, सॉरी ग्रीन टी लेते हैं वो, ग्रीन टी बनाना तो मैं भी ले लेती हूँ वही, उसके साथ में कुछ स्नैक्स बनाना, ठीक है। फिर रात में डिनर की प्रिपरेशन करने लगता, फिर बच्चे सोते नहीं हैं 11-12 बजे तक, फिर क्या है यार, मतलब आप सोचो कितना टाइम निकल जाता है और लोग बस बोलने के लिए थोड़ा सा वर्ड बोल देते हैं, कितना हार्ड फील होता होगा। कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि आप लोग ऐसी बातें प्लीज़ मत बोला करिए, क्योंकि बहुत हर्ट होता है, एक औरत ही जान सकती है कि उसको सारा दिन कितना फ्री टाइम मिलता है और कितना सोती होगी और कितना, इवन आप लोग तो ऑफिस से आते हो मोबाइल लेके लेट जाते हो, है ना, लेकिन जो है और कोई भी हो, बड़े बुजुर्ग ही हो, वहाँ पे गांव में 8 बजे ही जो लोग गांव से बिलोंग कर, जो शहर से, तो अपना खाना वाना बना के सो जाते हैं, कोई बच्चे वाली झंझट नहीं, जब तक बच्चा जगता है आपको जग गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, और ये वन ऑफ द बेस्ट पार्क है कह सकते हैं अम्बाला कैंट का, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए इसे बनाया गया है, बहुत इसमें वॉक करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जो ओल्ड एज रहती हैं जिनकी कपल्स आते हैं ऐसे, और साथ ही साथ पहले इसमें रेस्टोरेंट नहीं था, अभी इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं, तो अगर किसी को यहाँ से डिनर करके भी जाना हो, पार्क आए हो डिनर करके जाना हो, तो वो भी करके ईज़िली जा सकते हैं, और इनकी जो रेस्टोरेंट है इनकी खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग पार्क आते हैं वही इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, अलग से भी लोग जिनको पार्क नहीं आना रहता वो भी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना वगैरह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये जो पार्क है ना बहुत बड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और पूरा दिखा भी नहीं सकती हूँ, तो ग्रीन गार्डन फूड कोर्ट के नाम से है ये पहला रेस्टोरेंट, और ठीक अगर आगे आप इनके चलोगे तो एक रेस्टोरेंट और है, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक बोट की थीम पे रेस्टोरेंट बनाया है, जहाँ इन्होंने बोट के आकार की बहुत सारी चीज़ें, जैसे बीच होता है ना वैसा पूरा थीम दिया है, तो द बोट हाउस के नाम से रेस्टोरेंट आप यहाँ आज आ सकते हैं, फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि फैमिली पार्टी होती है कुछ, तो वो सब भी लोग यहाँ करने आते हैं, क्योंकि देखने में ये रेस्टोरेंट अंदर से बहुत अच्छा है, तो अभी यहाँ जो है हम लोग जाते हैं और थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं फिर घूमते हैं यहाँ। यहाँ पे ये जो म्यूज़िकल फाउंटेन है
यहाँ आने के बाद मेरा भी मन बहुत खुश हो जाता है और आद्विक की तो एक्साइटमेंट मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाई दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। बोटिंग है और साथ ही साथ पार्क में ओपन जिम भी है, साथ ही साथ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए स्लाइडिंग है, बहुत सारी तरीके की स्लाइडिंग है। साथ ही साथ आप यहाँ पे बैठ के कुछ देर इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि बहुत पीसफुल लगता है शाम को अगर आप बैठते हैं। सनसेट भी यहाँ देखने को मिल जाता है सामने से। साथ ही साथ अभी बोटिंग हो रही है यहाँ पर, मैं आपको दिखा सकती हूँ। बोटिंग के चार्जेस भी बहुत कम है। इलेक्ट्रिक और जो आप सेल्फ बोटिंग है वो दोनों ही सुविधा है यहाँ पे, जो आपका मन करे आप वो इंजॉय कर सकते हो। और धीरे धीरे सुविधाएं इसमें बढ़ती चली जा रही हैं, पहले कुछ चीज़ें थी अभी बढ़ती चली जा रही हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए ना, बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे, तो हर किसी के लिए यहाँ पे उन्होंने सोचा, अनिल बिज सर ने जब बनवाया इसको हर किसी के लिए सोचा, क्योंकि ओल्ड एज है उनके लिए वॉकिंग करने के लिए इतना बड़ा डिस्टेंस में बनवाया है ये पार्क कि इजली वो अगर टू राउंड भी मार लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वॉक कर लेंगे। साथ ही साथ बच्चों के पर्पज़ से भी बना है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हो जिम नहीं जा सकते, ओपन जिम भी है, इजली यहाँ पे आके जिम कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आदु की एक्साइटमेंट देखो, क्योंकि उनको उनके लिए जो चीज़ें वो दिख गई हैं और उनको पता है मुझे किस स्लाइड में जाना है, क्योंकि होता है ना बच्चे जब स्टार्टिंग से कहीं जाते रहते हैं ना तो उनको उस चीज़ का पूरा नॉलेज हो जाता है कि अब हमें यहीं आना है। और यहाँ के उसको बहुत खुशी भी मिलती है, क्योंकि यहाँ उसको लगता है ना कि यहाँ एक दो तरीके की स्लाइडिंग तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें, स्विंग है और स्लाइडिंग है और एनिमल्स थीम पे बनी हुई है स्लाइडिंग, बहुत बड़े एरिया में स्लाइडिंग बनी हुई है और छोटे भी हैं बड़े भी हैं, बड़े बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हर किसी को देखते हुए यहाँ पे बच्चों के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे बड़े लोग भी स्लाइडिंग वगैरह करने लगते हैं, तो जो है मुझे ऐसा लगता है ये सही नहीं है। बच्चों के लिए जो चीज़ें बनी हैं वो बच्चों के लिए ही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सैटरडे संडे जब ऑफ होता है तो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, फुल फैमिली के साथ बहुत सारी डिशेज़ वगैरह बना के यहाँ आते हैं और अपना पिकनिक भी बनाते हैं। बहुत सारी किटी पार्टी जो होती है वुमेंस की, वो यहाँ पे मैंने देखा है, सब आते हैं और इन्जॉय करते हैं साथ में। और बहुत सारा जो, जैसे पहले रेस्टोरेंट नहीं था तो लोग जो है टाइम पे चले, अभी क्या है कि अपना एक आउटिंग सा हो जाता है उनका, यहाँ पहले इन्जॉय करते हैं और उसके बाद यहीं डिनर वगैरह करके सीधे घर चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया। और साथ ही साथ पहले भूख लगती थी बच्चों को या किसी को कुछ, तो यहाँ कुछ मिलता नहीं था, अभी यहाँ बहुत सारी चीज़ मिलने लगी है तो इजली। अभी क्या है ना, इसीलिए क्राउड और बढ़ गया है, क्योंकि जब से रेस्टोरेंट खुला है ना तब से जो है वहाँ के लिए भी लोग आते हैं, फिर पार्क में भी रहते हैं, आराम से खाते पीते इंजॉय करते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा आद्विक के साथ इंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ। अच्छा, पार्क के ठीक फ्रंट में ये मंदिर है, यहाँ पे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप पार्क आते हैं ना तो ये भोलेनाथ के दर्शन करिएगा, यहाँ की बहुत कह सकते हैं फेमस है। साथ ही साथ वहाँ से आने के बाद आद्विक को लग गई थोड़ी सी भूख, तो मैंने यहाँ पे बना दिया आद्विक के लिए मैंगो शेक, ये विदाउट आइस मैंने दिया है उसको, क्योंकि मौसम यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye.